हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग आई क्यू कब। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में जानेंगे, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये पार्ट वन है और इसका पार्ट टू हम जल्द ही आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन कर लें, ताकि आपको ये जितने भी पीडीएफ्स हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, वो आपको मिल सके। ओके, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिज़र्व के बारे में जान लेते हैं, ताकि हमारी जो जो कन्फ्यूजन होती है नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर वो ना रहे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है नेशनल पार्क। दोस्तों, नेशनल पार्क में ह्यूमंस एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं होता है। एक्टिविटीज़ लाइक ग्रेजिंग, फॉरेस्ट्री, हंटिंग एंड कल्टीवेशन आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, एंड इट इज़ कवर्ड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। तो सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर अलाउड सच एज ग्रेजिंग, फायरवुड कलेक्शन, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज टूरिज्म इज प्रोहिबिटेड, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज अ सेंचुरी कैन बी अपग्रेडेड एज अ नेशनल पार्क, हाउएवर अ नेशनल पार्क कैन नॉट बी डाउनग्रेडेड एज अ सेंचुरी। यानी कि एक सेंचुरी को नेशनल पार्क बनाया जा सकता है, लेकिन एक नेशनल पार्क को सेंचुरी नहीं बनाया जा सकता है। दोस्तों, नेशनल पार्क में क्या होता है, कुछ स्पेशल जो एनिमल्स होते हैं जो कि एंडेंजर्ड होते हैं या जो कि बहुत ही रेयर पाए जाते हैं वर्ल्ड में, तो उन्हें क्या किया जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रखा जाता है, जबकि नेशनल पार्क में हर तरह के जो है प्राणी रह सकते हैं। ओके, और बायोस्फीयर रिज़र्व की बात करें तो इट इज़ अ मल्टीपर्पज़ प्रोटेक्टेड एरिया। ओके, एंड वन और मोर नेशनल पार्क एज वेल एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैन बी देयर इन अ बायोस्फीयर रिजर्व। एक से अधिक भी रह सकते हैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। ओके, नेक्स्ट है पीपल आर अलाउड टू लिव इन द आउटर जोन। व्हाट इज आउटर जोन? तो गाइज, बायोस्फीयर रिजर्व में तीन जोन होता है। ओके, एक होता है आउटर जोन, नेक्स्ट इज बफर जोन, एंड दिस इज कोर जोन। ओके, तो इसे याद रखिएगा, तीन जोन होता है, आउटर जोन, बफर जोन एंड कोर जोन। तो पीपल्स आर अलाउड टू लिव इन द आउटर जोन। ये जो आउटर जोन है इसमें जो है इंसान रह सकते हैं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहला है अंसी नेशनल पार्क। इट इज़ सिचुएटेड इन कर्नाटक। ओके, दोस्तों कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क और हैं, जैसे कि बांदीपुर, नागरहोल, सोमेश्वर एंड तुंगभद्रा। ओके, इसे जो है एक बार रिमेम्बर कर लीजिए, नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आएगा उसमें ये सब भी जो हम लोग कवर करेंगे। ओके, एंड इट इज़ द हाउस ऑफ ग्रेट हॉर्नबिल टाइगर्स एट्सेट्रा। तो अंसी नेशनल पार्क जो है ये हैबिटेट है ग्रेट हॉर्नबिल और टाइगर्स के लिए मोस्टली। ओके, इसके लिए फेमस है। एंड काली टाइगर रिजर्व इज़ अ प्रोटेक्टेड एरिया एंड इट इज़ लोकेटेड इन उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। ओके, एंड काली रिवर जो है वो यहाँ से होकर बहती है इस नेशनल पार्क से, यहाँ पे आप देख रहे होंगे फिगर में काली रिवर। ओके, नेक्स्ट है बालफाकरम नेशनल पार्क। इट इज़ सिचुएटेड इन द साउथ गारो हिल्स इन मेघालय एंड इट इज़ एन एल्टीट्यूड ऑफ 910 मीटर। ओके, एंड इट वाज इनॉग्रेटेड इन दिसंबर 1987। फाइन दोस्तों, 1987 में इसे इनॉग्रेट किया गया था, एंड इट प्रोवाइड्स हैबिटेट फॉर बार्किंग डियर,
एशियन गोल्डन कैट, बंगाल टाइगर एट्सेट्रा। ओके, और दोस्तों बात करें अगर मेघालय की, तो यहाँ पे एक और नेशनल पार्क है जिसका नाम है नोंगर वाइलम। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है ब्लैक बक नेशनल पार्क। इट इज़ अ हैबिटेट फॉर ब्लैक बक। ओके, एंड इट इज़ फेमस फॉर ब्लैक बक, एंड इट इज़ सिचुएटेड इन द भावनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ओके, गुजरात के भावनगर डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। और बात आती है गुजरात की, तो यहाँ पे दो और नेशनल पार्क है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा है? तो गिर और नल सरोवर नेशनल पार्क। ओके, अब बात करते हैं ब्लैक बक की, तो इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1976। ओके, एंड नथिंग इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इराविकुलम। इराविकुलम नेशनल पार्क इज़ अ 97 किलोमीटर स्क्वायर इन एरिया, एंड इट इज़ लोकेटेड अलोंग द वेस्टर्न घाट्स इन द इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरल। ओके, केरल के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है। और बात आती है केरल की, तो यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है परम्बिकुलम, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों बात करते हैं अगर इराविकुलम नेशनल पार्क की, तो इट इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द केरल डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ। और काफ़ी यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे जो है डिपार्टमेंट्स एंड संस्था दिया गया, ऑर्गेनाइजेशंस दिया गया, तो इन सबको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है ग्रेट हिमालयन। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इट इज़ सिचुएटेड इन द इन कुल्लू रीजन इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ओके, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू रीजन में जो है ये सिचुएटेड है। और ग्रेट हिमालयन की बात करें, तो ये 1500 से 6000 मीटर की हाइट पे जो है स्थित है। ओके, और दोस्तों जितने भी हम लोग पढ़ रहे हैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो इससे इससे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं वो दो ही तरीके से बनते हैं, या तो ये कहाँ पे स्थित है, सिचुएटेड कहाँ पे है, या फिर ये किन किन जानवरों के लिए या किन प्राणियों के लिए हैबिटेट है। ओके, तो ये दो जो है आप इन दोनों पे फोकस कीजिएगा। ये है न्यूमेरस फ्लोरा और फौना स्पेसिस के लिए हैबिटेट। ओके, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, जून 2014 में इसे यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में लिस्टेड किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है गैलेंथिया नेशनल पार्क, एंड इट इज़ सिचुएटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। दोस्तों निकोबार आइलैंड जो है, अंडमान निकोबार आइलैंड, ये है बे ऑफ बंगाल में। ओके, और गैलेंथिया नेशनल पार्क की बात करें, तो ये 110 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हेमिस नेशनल पार्क। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। ओके, एंड इट इज़ अ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क। ओके, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में ये स्थित है, याद रखिएगा लद्दाख यूनियन टेरिटरी। अभी लद्दाख क्या हो गया है, एक यूनियन टेरिटरी बन गया है, इसके पहले क्या था, जम्मू और कश्मीर एक राज्य था, अभी दोनों अलग हो गए हैं और एक जो है यूनियन टेरिटरी बन गया है लद्दाख। फाइन, तो जम्मू कश्मीर की बात आती है, तो जम्मू कश्मीर में दो नेशनल पार्क हैं, दाचीग्राम और किश्तवाड़, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, और ये किस लिए फेमस है, तो इट इज़ ग्लोबली फेमस फॉर इट्स स्नो लियोपर्ड। ओके, स्नो लियोपर्ड के लिए ये जो है बहुत ही फेमस है, यानी कि इट इज़ अ हैबिटेट फॉर स्नो लियोपर्ड। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसा। नेक्स्ट है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। दोस्तों केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, इट इज़ सिचुएटेड इन बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट मणिपुर इन इंडिया। ओके, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड। ओके, दोस्तों आपने सुना होगा सिक्किम में लोकटक झील है,
तो इट इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ लोकटक झील, ओके, लोकटक लेक, और इट इज़ द ओनली फ्लोटिंग पार्क। ये इम्पॉर्टेंट है, एसएससी के एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि फ्लोटिंग पार्क इंडिया में, फ्लोटिंग पार्क कौन सा है, तो ये है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। फाइन दोस्तों, इसे आईयूसीएन ने 1966 में जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया था, और इसके बाद 1977 में क्या किया गया, इसे नेशनल पार्क बनाया गया। दोस्तों, हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था कि जो नेशनल पार्क होते हैं उसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बनाया जा सकता है, बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है उसे हम नेशनल पार्क बना सकते हैं, ओके। और ये आईयूसीएन का लॉ है, उसके अकॉर्डिंग होता है, ओके। तो नेक्स्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। काजीरंगा नेशनल पार्क इट इज़ सिचुएटेड इन गोलाघाट, कार्बी एंगलोंग एंड नागांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ असम, असम के स्टेट में है, और तीन क्षेत्रों में फैला हुआ है, कौन कौन सा, गोलाघाट, कार्बी एंगलोंग एंड नागांव डिस्ट्रिक्ट, ओके। दोस्तों, ये फेमस किस लिए है, तो ये फेमस है वन हॉर्न राइनोज के लिए, यानी कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। एंड ऑल्सो इट इज़ द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर, ओके, सॉरी, इट हैज़ द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर, ठीक है। तो ये बाघ के लिए और वन हॉर्न राइनोज के लिए जो है फेमस है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं केवला देव नेशनल पार्क, तो केवला देव नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं। इट इज़ सिचुएटेड इन भरतपुर राजस्थान, ओके, भरतपुर राजस्थान में स्थित है, और भरतपुर बर्ड सेंचुरी के साथ जो है ये भरतपुर बर्ड सेंचुरीज के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली यहाँ पे है क्या, यहाँ पे 230 से ज़्यादा स्पीशीज़ जो है बर्ड के पाए जाते हैं, इसीलिए इसे बर्ड सेंचुरी भी बना दिया, माना गया है, ओके। एंड इट वॉज़ प्रोटेक्टेड सेंचुरी इन 1971, यानी कि इसे 1971 में प्रोटेक्टेड सेंचुरी जो है बना दिया गया था। इट वॉज़ डिक्लेयर्ड अ प्रोटेक्टेड सेंचुरी इन 1971, एंड इट इज़ ऑल्सो वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे लिस्ट किया गया है, ओके। नेक्स्ट है कंचनजंगा। दोस्तों, कंचनजंगा जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसका नाम किस, कंचनजंगा नाम के जो पर्वत है, जो माउंटेन है, उसके नाम पे पड़ा है, राइट। और अगर बात करते हैं, इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में रखा गया है, और जुलाई 2016 में इसे जो है यूनेस्को में शामिल किया गया था, ओके। एंड कंचनजंगा की बात करें तो इट इज़ अ नेशनल पार्क, ऑल्सो इट इज़ अ बायोस्फेयर रिजर्व, ओके। जैसा कि हमने बताया था, बायोस्फेयर रिजर्व में बहुत सारे जो है रह सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क, तो यहाँ पे बायोस्फेयर भी है, और बायोस्फेयर रिजर्व भी है, और नेशनल पार्क भी है, ओके। तो दोस्तों, ये था हमारा पार्ट वन। पार्ट वन आपको कैसा लगा बताइएगा, और पार्ट टू जल्दी आपके लिए हम लेकर आएंगे, ओके। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।